प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे टोकरी में क्या है। गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई थी। गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन था। अदिति नानी के पास से अपने गांव लौट रही है। उसके पिताजी लेने आए हैं। वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही है। अदिति इस टोकरी में कुछ बांध कर रखा है, इसे भी अपने साथ ले जाना, नानी ने कहा। अरे वाह, टोकरी में क्या है नानी जी, अदिति बोली। तुम स्वयं अनुमान लगाकर बताओ कि क्या हो सकता है, नानी ने कहा। अच्छा तो मुझे सोचने दो नानी जी, या तो इसमें मिठाई है या फल, अदिति ने कहा। फल है, नानी ने बताया। आहा, तब तो इसमें अवश्य ही सेब होंगे नानी जी। नहीं, सेब नहीं है, फिर सोचो और बताओ, नानी ने कहा। ठीक है नानी, सोचती हूँ। अच्छा ये तो बताओ कि ये फल छोटे पौधे पर लगते हैं या बड़े पेड़ पर, अदिति ने पूछा। पेड़ पर, नानी ने कहा। तब तो ये नारंगी हैं, अदिति ने कहा। नहीं बिटिया, नारंगी भी नहीं है, नानी जी ने कहा। अच्छा ये पीला है या लाल, अदिति ने पूछा। पीला है, नानी ने कहा। तब ये आम ही होगा, अदिति ने खुश होकर कहा। नाना आम भी नहीं है, नानी ने सिर हिलाया। अच्छा मुझे फिर सोचने दो नानी जी, इसकी आकृति कैसी है। गोल है, तब अमरूद होगा, नानी ने कहा। नहीं अमरूद भी नहीं है, अदिति ने फिर कहा। अच्छा नानी जी ये स्वाद में कैसा है, मीठा या खट्टा या कसैला, अदिति ने नानी से पूछा। इसका स्वाद खट्टा है, नानी ने कहा। तब तो ये जरूर माल्टा होगा, अदिति बोली। नहीं बिटिया, तुम करीब करीब तो पहुंच गई हो, फिर भी थोड़ा प्रयास करो। ठीक है नानी, अच्छा बताओ ये फल किस काम में आता है, अदिति ने फिर कहा। अचार और शरबत बनाने के काम आता है, नानी ने कहा। नानी अब तो मैं जान ही गई। हाँ नानी, अब मैं जान ही गई हूँ, ये नींबू हैं। हाँ बिटिया बिल्कुल ठीक पहचाना, ये नींबू ही हैं।